चंपारण खेड़ा एवं अहमदाबाद रे गांधीजी आंदोलन केवल स्थानीय जगार सीमित थिला जहाँकि केवल से ही अंचल लोक मानते प्रभाव पकड़ा तेरे गांधीजी प्रथम थरपाई जितिय स्तर में कर आंदोलन होवलात आईन विरोध आंदोलन तेल रावलात आईन कौन थिला कौन उल्लेख रही जे गांधीजी को यह विरुद्ध आंदोलन करने को पड़ा ताजी विद्यालय यही वीडियो रे डिटेल रे डिस्कस करवा तेबे वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्वरु मु कहि रखे जे स्कूल किंबा बोर्ड एग्जाम्स गुड़ी करे आपणकर पाठ्यपुस्तक रे जेतिकी पॉइंट्स रहिछि सेगुड़ी को ही भल भाव लिखिबे आमे ए टॉपिक को बुझिया पई टिके डिटेल रे डिस्कस करिबा तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। जुलाई मास 1914 मसिया प्रथम विश्वयुद्धर आरंभ होइतिला एवं ब्रिटेन बॉडी चढ़ी इतने भाग नहींतिला जेहेतु सेमाने युद्ध रे व्यस्त थिले तेणु सेमाने भारत रे मुंड टेकुथिबा विभिन्न विद्रोही आंदोलन को दमन करिया पई गोटे एक्ट पास करथिले जहार नाम थिला डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1915। यहाँ केवल प्रथम युद्ध पई लागू करा जायथिला एवं युद्ध सरला परे एही एक्ट को 6 मास मध्य रे खारज करिवार व्यवस्था थिला। एपटे 1918 मसीहा रे प्रथम विश्वयुद्ध तो सरीगला किंतु ब्रिटिशर्स मानकु एहा भय थिला जे जदि सेमाने एही एक्ट को हटेइ देबे ताहले भारतर जातीय आंदोलनकारी मानकु कंट्रोल करिवारे बहु असुविधार सम्मुखीन करबाकु पड़िबो। सेतिपई सर रावलेट को अध्यक्षता रे गोटे कमिशन रो गठन करा गला जहार काम थिला जे भारत रे होतवा विभिन्न विद्रोह तथा विप्लवात्मक कार्यकलापर एसेसमेंट करिबा एवं यहार दमन पई ब्रिटिश गवर्नमेंट को सल्यूशन रेकमेंड करिबा। एपटे सर रावलेट तांकर रिपोर्ट रे भारत रे विप्लवात्मक परिस्थिति को दर्शाई डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को अनिर्दिष्ट काल पई एक्सटेंड करिवार सुपारिश कले एवं तदनुजाई एही एक्ट को इनडेफिनेट पीरियड पई एक्सटेंड करा गला जहाँ को नाम दिया गला रावलेट एक्ट 1919। यहाँ द्वारा भारतीयों को स्वाधीनता एवं विभिन्न अधिकार ऊपर रोक लागिला। पुलिस बिना कौनसी वारंट रे मध्य कौनसी घर सर्च करि पारुतिला केवल संदिग्ध व्यक्ति को बिना कौनसी सबूत रे जेल रे पूरा जाउतिला। धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल रे जनसमागम निषेध थिला। शांतिपूर्ण आंदोलन मध्य एही एक्ट द्वारा निषेध थिला। एही एक्ट भारतीय मानंको मध्य रे गभीर दुख देइतिला। प्रकृत विश्वासघातकता कौन एहा भारतीय माने अनुभव करथिले काहेकि ना प्रथम विश्वयुद्ध रे भारत इंग्रेज सरकार एवं मित्र शक्ति को बहु सहायता प्रदान करथिला एवं बहु भारतीय सैन्य एही युद्ध रे शहीद होइथिले तेबे एहा प्रतिबदल रे एटलिस्ट भारतीय माने निजर मौलिक अधिकार गुडी को भलो भाबर उपभोग करिया बोली आशा करथिले किंतु ब्रिटिशर्स माने एते विश्वासघाती तथा निर्लज थिले जे एही एक्ट माध्यम रे भारतीयंकर स्वाधीनता को दमन करबाकु आरंभ कले। या देखि गांधीजी 1919 मसीहा फेब्रुआरी मास रे एक सत्याग्रह कमिटी रो गठन कले एवं एतिरे थिबा सभ्य मानंकु एही आइन को अमान करिया पई सत्य एवं अहिंसा भित्तिक आंदोलन पई प्रवर्तैले। ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा रे भारतीय सभ्य मानंकर विरोध सत्वे संख्यागरिष्ठ सरकारी सभ्यों समर्थन फल 1919 मसीहा मार्च मास 18 तारीख रे रावलात आईन पास हला। या देखि गांधीजी गण सत्याग्रह रो आह्वान देले। गोटे दिन समग्र भारत रे हड़ताल पालन करबाकु गांधीजी परामर्श देले जहाँ को कि 1919 मसीहा एप्रिल मास 6 तारीख रे सरकारों नीति रे प्रतिवाद स्वरूप सबु प्रकार कार्य बंद करी उपवास एवं प्रार्थना द्वारा देशव्यापी हड़ताल पालन करा जाइतिला। तेबे देशव्यापी जदि एपरि गण सत्याग्रह हुए तेबे एहा हिंसात्मक रूप मध्ये धारण करि पारे काहेकी ना ते समय रे समग्र देशवासी सत्याग्रहर मीनिंग को बुझी नथिले तेणु हिंसार पूर्वानुमान करी आनी बेसांत तेज बहादुर सापरू श्रीनिवास शास्त्री एवं सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि एथिरे
ଭାଗ ନ ନେବା ସହ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସତକୁ ସତ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ସତ ହେଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଏବଂ ଅମୃତସରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଏହିପରି ଏକ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।